हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेट फोर है जिसमें इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि WBCS हुआ और RBNTPC, SSC CGL एक्सेट्रा। जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप ले रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नबार्ड रिसेंटली। हाल फिलहाल में नबार्ड का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड का चेयरमैन अभी हाल फिलहाल में किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए GR चिंताला, ऑप्शन बी क्रिस गोपाल कृष्णन, ऑप्शन सी अजय त्यागी एंड ऑप्शन डी PD वगैरह। द करेक्ट आंसर इज GR चिंताला। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही GR चिंताला को नबार्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अच्छा, यहाँ से दो चीज़ और याद रखिएगा। अजय त्यागी अभी एट प्रेजेंट SEBI के चेयरमैन हैं। इसका टेन्योर भी इसी साल ख़त्म हो जा रहा था, लेकिन COVID-19 पेंडेमिक की वजह से इसका टेन्योर को 18 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड किया गया है और टिल February 2022 तक के लिए। तो एट प्रेजेंट अभी SEBI के चेयरमैन अजय त्यागी है, तो इसे भी याद रखिएगा। और PD वगैरह एट प्रेजेंट अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, एक डेढ़ महीना पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को चेयरमैन के हिसाब से अपॉइंट किया गया है। तो इन दोनों को भी याद रखना है। अजय त्यागी एट प्रेजेंट SEBI के चेयरमैन हैं एंड तराई के चेयरमैन हैं PD वगैरह, एंड नबार्ड का चेयरमैन जैसे कि बता दिए GR चिंताला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रोबर्टो अजेवेडो हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड, इनमें से चार जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है ABCD में, इनमें इसके कौन से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के डायरेक्टर जनरलशिप में थे रॉबर्टो अजेवेडो, और रिसेंटली भी अनाउंसमेंट किए हैं कि वो रिज़ाइन दे रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है WHO, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी WTO या फिर ऑप्शन डी UNESCO। द करेक्ट आंसर इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये सिक्स डायरेक्टर जनरल थे और इसे अपॉइंट किया गया था 1 सितंबर 2013 को। 2013 को इसे अपॉइंट किया गया था फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए, एंड February 2017 में इसका टेन्यूर ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसे फिर से 2017 में जो है रीअपॉइंट किया गया फॉर सेकेंड टर्म के लिए, और इसका टेन्यूर 2021 तक का था, लेकिन अपना टेन्यूर को एक साल से पहले, बिफोर 1 ईयर हिज एक्सपायरी, ही अनाउंसेज हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द डायरेक्टर जनरलशिप ऑफ WTO। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेंसस इंडिया 2021 हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट इन हाउ मेनी फेजेस। इंडिया का 2021 का सेंसस कितने फेज में होने को डिसाइड किया गया है? 3 फेज, 2 फेज, 4 फेज और 5 फेज। करेक्ट आंसर इज 2 फेज। इंडिया का सेंसस 2021 का 21 को 2 फेज में कंडक्ट होने को डिसाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज इन्वोक्ड इन कंट्री आफ्टर आउटब्रेक ऑफ COVID-19। COVID-19 के आउटब्रेक की वजह से इनमें से कौन सा एक्ट को इन्वोक किया गया है? ऑप्शन ए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1886, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1901 एक्चुअली होना चाहिए, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ गया है, 1909 होगा एक्चुअली यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। एक्चुअली ये एक ब्रिटिश इंडिया के टाइम में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 1897 में मुंबई में एक डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा था जिसको बुबोनिक प्लग कहा जाता है। तो बुबोनिक प्लग के रोकथाम के लिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इस एक्ट को लाया गया था, और अभी COVID-19 के टाइम में इसी एक्ट को फिर से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ किए। चलिए तो इस एक्ट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन। 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ऑप्शन ए गुवाहाटी असम, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी असम में हेल्ड हुआ है। ये थर्ड एडिशन था
खेलो इंडिया यूथ गेम का एंड फोर्थ एडिशन डिसाइड हुआ है, जो 2021 में होने वाला है वो हरियाणा में होगा। तो 2020 का हो चुका है, 2021 का भी हो सकता है कि आपसे पूछ सकता है, तो 2021 का भी याद रखिएगा हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन रेलवे विल रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाई, इंडियन रेलवे या रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस किए हैं कि इंडिया का रेलवे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 100% इलेक्ट्रिसिटी में चलेंगे बाई विच ईयर, कौन सा साल तक। ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2030 या फिर ऑप्शन डी 2028। द करेक्ट आंसर इज 2024। प्राइम मिनिस्टर पीयूष गोयल कहें कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 100% इंडिया का रेल जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा 2024 तक, और उसके लिए जो है उसने उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं कि जैसे कि डीजल लोकोमोटिव ट्रेन ग्रेजुअली क्या हो रहा है सर्विस से आउट हम लोग कर रहे हैं, ताकि वो टोटल जो है इलेक्ट्रीफाई कर पाएँ इंडियन रेलवे को। और ये भी प्लान किया गया है कि नो जीरो इमिशन नेटवर्क इंडियन रेलवे में बनाया जाएगा बाई 2030, 2023 तक नो जीरो इमिशन नेटवर्क। तो इसको भी याद रखिएगा कि इंटायर रेलवे नेटवर्क ये नो या नेट जीरो इमिशन नेटवर्क बाई 2020 डिसाइड किया गया है, जैसा कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल ऑन, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल टाइटल कौन जीते हैं। ऑप्शन ए डोमिनिक थियम, ऑप्शन बी ल्यूक सेवाइल, ऑप्शन सी राफेल नडल या फिर ऑप्शन डी नोवाक जोकोविक। तो 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल जीते हैं नोवाक जोकोविक। इस मैच में डोमिनिक थियम रनर अप थे, तो इसको भी याद रखिएगा, नोवाक जोकोविक डोमिनिक थियम को डिफीट करके ये टाइटल जीते हैं, और ये टाइटल नोवाक जोकोविक का 8th ऑस्ट्रेलियन ओपन है। हाउ मेनी 8th ऑस्ट्रेलियन ओपन, और अगर टोटल कहा जाए ग्रैंड स्लैम तो ये 17th ग्रैंड स्लैम है नोवाक जोकोविक का, 17th टोटल ग्रैंड स्लैम एंड 8th ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम। अगर वुमेन सिंगल कैटेगरी में पूछा जाए कि वुमेन सिंगल कैटेगरी में 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीते हैं, तो उसका भी नाम हम बता देते हैं, आप लोग चाहे तो उसे नोट डाउन करके रखिए। वुमेन्स कैटेगरी सिंगल में सोफिया केनिन जीती है, सोफिया केनिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और ये सोफिया केनिन का ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम अवार्ड था। और हम लोग जानते हैं कि ग्रैंड स्लैम टोटल 4 होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन ही शुरू हुए जनवरी के महीने में हो पाया था, और बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, मैन सिंगल एंड वुमेन सिंगल दोनों को ही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 रिस्पेक्टिवली। इंडिया का रैंक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है। ऑप्शन ए 77, 131, ऑप्शन बी 80, 127, ऑप्शन सी 43, 87 या फिर ऑप्शन डी 67, 138। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक है 77 एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक है 131। ये दोनों इंडेक्स WHO एंड यूनिसेफ एक साथ ही मिलकर के टुगेदर एक साथ मिलकर के रिलीज करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स में, और जिसमें देखा जाता है पर कैपिटा कार्बन इमिशन कि उस कंट्री के द्वारा किसी नेशन के द्वारा पर कैपिटा कार्बन इमिशन का एबिलिटी क्या होता है, और चिल्ड्रेन की एबिलिटी क्या होती है उसमें लाइफ करने के लिए, तो हेल्दी लाइफ के लिए चिल्ड्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है कार्बन इमिशन का, इन दोनों को देखते हुए उस कंट्री को रैंक किया जाता है। तो इंडिया का रैंक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77 है एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में 131 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच फिल्म ओन बेस्ट पिक्चर एकेडमी अवार्ड, हम लोग जानते हैं एकेडमी अवार्ड का ही दूसरा नाम है ऑस्कर अवार्ड, इन 2020। दैट मीन्स ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट पिक्चर कौन सा फिल्म को दिया गया, बेस्ट पिक्चर अवार्ड। ऑप्शन ए द आयरिशमैन, ऑप्शन बी जोकर, ऑप्शन सी पैरासाइट या फिर ऑप्शन डी वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। तो 2020 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड
या बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड दिया गया है मूवी पैरासाइट को, ऑप्शन सी। पैरासाइट एक साउथ कोरियन मूवी है, साउथ कोरियन फिल्म है, और ये ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म बेस्ट मतलब कि बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड जीतता है। 92 ईयर्स की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसको याद रखिएगा, पैरासाइट किस लैंग्वेज का फिल्म है, कोरियन लैंग्वेज, यानी साउथ कोरिया का फिल्म है ये, तो कोरियन लैंग्वेज का ही फिल्म होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हु इज प्रेजेंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, अभी प्रेजेंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? ऑप्शन ए के वी चौधरी, ऑप्शन बी संजय कोठारी, ऑप्शन सी एन एस राव, या फिर ऑप्शन डी प्रदीप कुमार। तो करेक्ट आंसर इज संजय कोठारी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट अभी कौन है? संजय कोठारी। संजय कोठारी को चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट करने से पहले संजय कोठारी एक्चुअली प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे, और उसे जो है प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीशिप से चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, कुछ दिन पहले ही। अच्छा, ये सीबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, और उसी के ये चीफ बनाए गए हैं संजय कोठारी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी है जो क्रिएट हुआ था 1964 में, और ये एड्रेस करते हैं गवर्नमेंटल करप्शंस को। तो करप्शंस को एड्रेस करने वाली जो बॉडी है उसी को हम लोग सीबीसी कहते हैं, और उसी के ये चीफ बनाए गए हैं, कौन? संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच कंपनी बिकेम फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंट नासा एस्ट्रोनॉट्स टू स्टॉप, नासा के एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले कौन सी कंपनी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बना है वर्ल्ड में? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी पब्लिक्स, ऑप्शन सी क्विक ट्रिप, या फिर ऑप्शन डी ए बी सी सप्लाई। तो उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बना है जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ विच कंट्री रिसेंटली, हाल फिलहाल में या लॉकडाउन के टाइम में ही, पेंडेमिक के टाइम में कौन सा कंट्री के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को, न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं? कौन सी कंट्री के न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी मॉरिशियस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, एंड ऑप्शन डी नाइजीरिया। द करेक्ट आंसर इज मॉरिशियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इज मे 8, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा रिसेंटली, राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए हों। तो उस चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम क्या है? ऑप्शन ए में देख लीजिए दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी जे एस खेहर, ऑप्शन सी टी एस ठाकुर, एंड ऑप्शन डी रंजन गोगोई। द करेक्ट आंसर इज रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेम द टीम विच हैज ऑन द रणजी ट्रॉफी फॉर द ईयर 2019-20 का रणजी ट्रॉफी कौन सा टीम जीता है? ऑप्शन ए सर्विसेज, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी विदर्भा, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सौराष्ट्र, 2019-20 का रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री हैज एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन बॉडी ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज फॉर 3 ईयर्स, किस कंट्री को यूनाइटेड नेशंस बॉडी के माइग्रेटरी स्पेसिस का प्रेसिडेंसी सी एज्यूम किया गया है 3 साल के लिए, 2020 से 2023 तक के लिए? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंडिया, या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। द करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर नोवल कोरोना वायरस एज स्टेट डिजास्टर। इंडिया का कौन सा ऐसा पहला स्टेट बना है जो नोवल कोरोना वायरस को स्टेट डिजास्टर अनाउंस किए या डिक्लेयर किए? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी केरला। द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला ऐसे पहले स्टेट थे जो नोवल कोरोना वायरस को स्टेट डिजास्टर अनाउंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री हैज इलेक्टेड अशरफ गनी एज दियर प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म इन फरवरी 2020। फरवरी 2020 में अशरफ गनी को कौन कंट्री अपनी प्रेसिडेंसीप सेकेंड टर्म के लिए चुने, इलेक्ट किए? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी ओमान। करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच रेलवे जोन ऑफ इंडिया हैज बिकम फर्स्ट टू हैव 13 एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन विच इज हाइएस्ट अमोंग द अदर जोन। इंडियन रेलवे का कौन सा जोन फर्स्ट ऐसा हुआ है जहां पे 13 एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन या फिर साउथ सेंट्रल जोन। द करेक्ट आंसर इज साउथ सेंट्रल जोन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज अवार्डेड विद द बेस्ट मेन्स प्लेयर टाइटल एट दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड फॉर द ईयर 2019। दुबई में ग्लोब सॉकर अवार्ड 2019 में मेन्स प्लेयर का टाइटल या फिर बेस्ट मेन्स प्लेयर का टाइटल किसे दिया गया? मोहम्मद साला, रोनाल्डिन्हो, लियोनल मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चंस हम लोग का कंप्लीट हुआ और ये पूरा 20 क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो इसे नोट डाउन कीजिएगा या फिर आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में AI एजुकेशन सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाई।